दोस्तों सैमसंग कंपनी इन दिनों इंडियन मार्केट में अपना मार्केट बहुत तेजी से बढ़ा रही है। सैमसंग एक के बाद एक नए मोबाइल इंडियन मार्केट में उतार रही है जिन्हें इंडियन यूजर्स काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। सैमसंग इन दिनों एंट्री लेवल मोबाइल से लेकर हाई एंड डिवाइस तक इंडिया में लॉन्च कर रही है। ऐसे यूजर्स जो सस्ते स्मार्टफोन की चाहत रखते हैं उनके लिए भी सैमसंग ने कई बेहतर ऑप्शंस मार्केट में उतारे हुए हैं। आज के इस वीडियो में हमने 5 ऐसे सैमसंग स्मार्टफोन्स के बारे में बात करी है जिनका बजट 10,000 रुपये से कम है। इसे आप 10,000 रुपये के बजट या फिर इससे कम कीमत पर खरीद सकते हैं। जो आते हैं सैमसंग के 5 बेस्ट स्मार्टफोन। तो चलिए बात करते हैं हम इन स्मार्टफोन्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 की, तो वहाँ पर आता है सैमसंग गैलेक्सी M01। सैमसंग गैलेक्सी M01 99 की एस्पेक्ट रेशियो वाली 5.7 इंच की HD प्लस इन्फिनिटी बी डिस्प्ले सपोर्ट करता है। एंड्रॉयड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये काम करता है। साथ ही इस डिवाइस के अंदर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 439 चिपसेट दिया गया है। ये फ़ोन 3GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज सपोर्ट करता है जिनकी कीमत 7,999 रुपये। डुअल सिम और 4G बोर्टी के साथ सिक्योरिटी के लिए जहाँ ये फ़ोन फेस अनलॉक फीचर सपोर्ट करता है, वहीं पावर बैकअप के लिए सैमसंग गैलेक्सी M01 में आपको 4000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है। फोटोग्राफी सेगमेंट की बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी M01 डुअल रियर कैमरा सपोर्ट करता है। फ़ोन के बैक पैनल पे आपको फ्लैश लाइट के साथ 2.2 अपर्चर वाला 13MP का प्राइमरी सेंसर मिल जाता है, जिसके साथ 2.4 अपर्चर वाला 2MP का डेप्थ सेंसर। और इसी तरीके से सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए सैमसंग गैलेक्सी M01 में 2.2 अपर्चर वाला 5MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। सैमसंग ने अपने फ़ोन को डॉल्बी एटमॉस टेक्नोलॉजी से लैस करके मार्केट में उतारा है। इसके साथ ही सैमसंग हेल्थ ऐप भी फ़ोन के अंदर आपको प्री इंस्टॉल्ड मिल जाता है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट वन की, तो वहाँ पे आता है सैमसंग गैलेक्सी M01S। सैमसंग गैलेक्सी M01S की बात करें तो ये फ़ोन 6.3 इंच की HD प्लस TFT इन्फिनिटी बी डिस्प्ले सपोर्ट करता है। इस फ़ोन को अंडर 10 ऑपरेटिंग सिस्टम पे पेश किया गया जो सैमसंग वन UI पे काम करता है। इसी तरह प्रोसेसिंग के लिए ये फ़ोन 2GHz का क्वालकॉम स्पीड वाला एक्टा कोर प्रोसेसर के साथ मीडियाटेक का हिलियो P22 चिपसेट दिया गया है। इंडियन मार्केट के अंदर ये फ़ोन 3GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है जिसकी प्राइस है 8,499 रुपये। फोटोग्राफी का सेगमेंट की बात करते हैं तो सैमसंग गैलेक्सी M01S के बैक पैनल पे आपको 13MP का प्राइमरी सेंसर, 2MP का सेकेंडरी कैमरा दिया गया है। इसी तरीके से सेल्फी के लिए ये फ़ोन 8MP का फ्रंट कैमरा सपोर्ट करता है। और सैमसंग गैलेक्सी M01S एक डुअल सिम फोन है जो 4G वोल्टी सपोर्ट करता है। सिक्योरिटी के लिए जहां सैमसंग गैलेक्सी M01S में रियर फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, वहीं पावर बैकअप के लिए गैलेक्सी M01S 4000mAh की बैटरी सपोर्ट करता है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट वन की, तो बोला जाता है सैमसंग गैलेक्सी A10S। सैमसंग गैलेक्सी A10S में 6.2 इंच का HD प्लस TFT इन्फिनिटी बी डिस्प्ले दिया गया है। इसके साथ ही कंपनी ने फ़ोन को 2.0GHz के ऑक्टा कोर प्रोसेसर से लैस बताया जो कि एंड्रॉयड 9 पाई पे काम करता है। इंडिया में ये फ़ोन फिलहाल एक ही वेरिएंट में सेल के लिए मौजूद है जिसकी कीमत है 8,980 रुपये। और ये वेरिएंट 2GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज को सपोर्ट करता है। फोटोग्राफी के लिए सैमसंग गैलेक्सी A10S में 13MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है 1.8 अपर्चर के साथ, जिसके साथ 2MP का डेप्थ सेंसर भी है। वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए फ़ोन में आपको 8MP का कैमरा मिल जाता है। कनेक्टिविटी ऑप्शंस के लिए फ़ोन में 4G वोल्टी, डुअल सिम स्लॉट, वाईफाई, ब्लूटूथ, GPS मौजूद है। इसके साथ ही फ़ोन के अंदर आपको 4000mAh की बैटरी देखने को मिलती है। इसके अलावा ये फ़ोन ब्लू, ग्रीन और ब्लैक कलर ऑप्शंस में आप खरीद सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट वन की, तो बोला जाता है सैमसंग गैलेक्सी M01 कोर। सैमसंग गैलेक्सी M01 कोर लो एंड मोबाइल है जो पुराने डिज़ाइन पर पेश हुआ है। इस फोन को किसी तरीके से कोई नॉच नहीं दी गई है, बल्कि स्क्रीन के चारों ओर आपको बेजल्स मौजूद दिख जाएंगे। इस फोन को कंपनी की ओर से 5.3 इंच की HD प्लस TFT डिस्प्ले पर लॉन्च किया गया। सैमसंग गैलेक्सी M01 कोर एंड्रॉयड गो एडिशन पे काम करता है जो बन UI के साथ क्वाड कोर प्रोसेसर और मीडियाटेक 6739 चिपसेट पर रन करता है। सैमसंग गैलेक्सी M01 कोर के बैक पैनल पे आपको फोटोग्राफी के लिए फ्लैश लाइट के साथ 8MP का रियर कैमरा और सेल्फी वीडियो कॉलिंग के लिए 5MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। पावर बैकअप के लिए यह फ़ोन 3000mAh की बैटरी सपोर्ट करता है। और सैमसंग गैलेक्सी M01 कोर के 1GB रैम और 16GB इंटरनल स्टोरेज की कीमत 4,999 रुपये और 2GB 32GB इंटरनल स्टोरेज की कीमत 5,999 रुपये है। अगर हम बात करते हैं लास्ट वन की, तो बोला जाता है सैमसंग गैलेक्सी M11। सैमसंग गैलेक्सी M11 को 99 की एस्पेक्ट रेशियो वाली 6.4 इंच की HD प्लस इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले पर लॉन्च किया गया जो कि एंड्रॉयड 10 पे काम करती है।
इस डिवाइस के अंदर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 4450 चिपसेट पे रन करता है। डुअल सिम फ़ोन है ये और 4G बैटरी के साथ ही बेसिक कनेक्टिविटी फीचर्स फ़ोन में मौजूद है। सिक्योरिटी के लिए जहाँ ये फ़ोन रियर फिंगरप्रिंट सेंसर सपोर्ट करता है, वहीं पावर बैकअप के लिए सैमसंग गैलेक्सी M11 में 15 वाट फास्ट चार्जिंग वाली 5000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। सैमसंग गैलेक्सी M11 फोटोग्राफी के लिए ट्रिपल रियर कैमरा सपोर्ट करता है और फोन के बैक पैनल पे आपको फ्लैश लाइट के साथ 1.8 अपर्चर वाला 13MP का प्राइमरी सेंसर, 5MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2MP का डेप्थ सेंसर दिया गया है। इसी तरीके से सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए सैमसंग गैलेक्सी M11 2.0 अपर्चर वाला 8MP का पंच होल कैमरा सपोर्ट करता है। इस फोन के 3GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज को 10,499 रुपये और 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज को 11,999 रुपये में आप खरीद सकते हैं। दोस्तों ये है वो 5 स्मार्टफोन जो सैमसंग के जो आपको 10,000 रुपये और उससे कम की रेंज में देखने को मिल जाते हैं।